एस बी आठ चौहान, बहुत बड़ा नाम हो गया। ओके हिमांशु, आशीष, तुषार, रिक, ऋतिक, बेटा ये आज अकाउंट्स की क्लास है, तुम अकाउंट्स पढ़ते हो? देख लो, मेरे ज्यादा ध्यान नहीं है आज, अकाउंट से इको है, सॉरी आज क्या है, आज मुझे ध्यान नहीं है, आज इको है। तो बच्चा कमेंट करके बताओ बेटा, मुझे ध्यान नहीं आज कौन सी क्लास है, अकाउंट्स की इको की, आज आज इको है भैया, थर्सडे है तो वो तो मुझे ही पता है। अच्छा TTS इको, ओके चलो इको। मैंने फिर हेडिंग गलत डाल दी इस वीडियो की, इको क्लास, कोई बात नहीं, फिर मुझे अपडेट करना पड़ेगा इसकी। ओके हेडिंग गलत हो गई इसकी, तो मैं लिंक भेजने से पहले ना कुछ क्रिएट करना पड़ता है, पेज क्रिएट करना पड़ता है, लिंक का वेबसाइट पे जाके उसमें हेडिंग गलत डाल देते मैंने आज। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करते हैं ठीक है। तो अभी तक कितने जने हुए हैं, हिमांशु है, आशीष है, हिमांशु आशीष, उसके बाद है तुषार, ऋतिक, आदित्य, फिर शमा, शमा के बाद बस सुमन, बाकी सबको कहाँ है भाई, सुमन गौरव, जितने लोग अभी भी अटेंडेंस है बाकी फटाफट 1 मिनट के अंदर आ जाए ग्रुप में, अटेंडेंस दो अपनी करना, फिर वही होगा बच्चे कम होंगे मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा। मैं मुझे जब तक प्रॉपर बच्चे नहीं मिलेंगे क्लास नहीं होगी, मतलब फटाफट सारे आ जाओ जल्दी से। ओके देखो अल्ताफ आ गया, देखो कई बार क्या होता है कि आप लोग बात को समझ नहीं पा रहे हो, और मैं बिल्कुल सीरियस मूड में हूँ आपको पढ़ाने के, लेकिन जब मुझे आपके अंदर से वो इम्पोर्टेंस नहीं दिखती है तो फिर मैं भी नहीं दिखता। कल मैंने क्लास ली नहीं इसी वजह से, कल क्लास की टाइमिंग पर 7:30 की टाइमिंग थी, वैसे क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी अब डिले कर रहा हूँ मैं, 8 बजे से कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अब रोजे का टाइम थोड़ा सा और पीछे हो गया है, तो उसके वजह से 7:30 बजे स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो अब क्लास जो होगी वो डेली 8 बजे होगी, लेकिन तभी होगी जब प्रॉपर अटेंडेंस होगी, कि कल मुझे 7:30 बजे तक 4 या 5 बच्चों का ही अटेंडेंस मिला था, उतने बच्चों के लिए फिर मेहनत करना बेकार है। इससे बड़े जब लॉकडाउन कभी खुलेगा, चाहे आज खुले या 2 महीने बाद खुले, जब खुलेगा तो पढ़ाना स्टार्ट होगा, जैसे सबका नुकसान हो रहा है वैसे तुम्हारा भी नुकसान होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक मुझे प्रॉपर अटेंडेंस नहीं मिलेगी मैं नहीं पढ़ाने वाला, मुझे प्रॉपर अटेंडेंस चाहिए। शिवानी, खुशबू और सुमन, ओके अल्ताफ, ये 4 दिन बाद में है। डेली क्लास स्टार्ट होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, मैं तभी क्लास हो पाएगी। 10th क्लास में पहली बार करेगा, 10th क्लास कैंसिल कर चुका हूँ मैं इसी चक्कर में। खैर एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सारे के सारे सुनो, लॉकडाउन का जहां तक का मामला है, लॉकडाउन 4 भी अब स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, ये सब आपको मालूम है, न्यूज वगैरह आप सब लोग सुन ही रहे हो। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि लॉकडाउन 4 कितने दिन तक रहेगा और कितना बड़ा रहेगा और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है लॉकडाउन 4 के बाद भी, देखो 17 तारीख तक है लॉकडाउन, उसका 17 तारीख के बाद जब लॉकडाउन 4 होगा तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो होगा ही होगा, मतलब मई का महीना तो पूरा जाएगा, अप्रैल जून में 1-2 तारीख तक रहेगा। तो अगर 1-2 तारीख तक रहेगा तो इसका मतलब है मई पूरा गया, जून में भी कुछ ना कुछ ऐसे हालात होंगे, और लॉकडाउन जल्दी खुलेगा नहीं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप तो सोचो अगर लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला होता तो इतनी सारी लेबर जो यहाँ से पलायन करके अपने अपने गाँव जा रही है तो गवर्नमेंट उनका इंतजाम करके नहीं देती। अगर लॉकडाउन अभी 2-4 दिन में खुल जाता है या 1 हफ्ते में खुल जाता तो गवर्नमेंट आश्वासन देती, खिलाती पिलाती उनको, कहती रहो यहीं पर रहो कहीं जाओ मत, लेकिन गवर्नमेंट को सुविधा करके दे रही है। डेटमेंट गवर्नमेंट तो खुद पता है कि लॉकडाउन इतनी जल्दी अभी नहीं खुलने वाला और काम धंधा इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है, तो इस वजह से ही लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा। आपके लिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि स्कूल नहीं खुलेंगे बेटा, स्कूल बहुत ही सबसे एंड में जाकर स्कूल खुलेगा, क्योंकि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है,
कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स अपने अपने इंटरनेट डे करके बुला लेंगे, जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं तो 1 से लेकर 15 तक एक दिन बुलाएंगे और 16 से लेकर 30 तक एक दिन बुलाएंगे, कुछ लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आप 1 से लेकर 15 तक बुला लोगे तो बच्चे को चलो क्लास में आप डिस्टेंस मेंटेन करके रख लोगे, लेकिन लंच में, प्रेयर में और भी बहुत सारी चीजें जहाँ पे बच्चा आपस में बच्चे के साथ तो वो नहीं मानने वाला, बच्चा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए स्कूल भी बहुत कम चांसेस है कि जल्दी खुले, कम से कम जून में तो नहीं खुलेंगे, मई जून की वैसे भी छुट्टी होती है। यही बात इंस्टीट्यूट का भी कुछ मामले ऐसे ही है कि गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, पुलिस वाले ऐसे परेशान करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ओके बेटा 9 बजे टाइम पर आया करो, सबको वार्निंग मिल चुकी है, क्लास अब 8 बजे स्टार्ट होगी डेली। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कल को ऐसा कभी होता है कि इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाता, तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन खुल गया और इंस्टीट्यूट अगर ना खुल पाए तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे घर पर मैं अपने घर पर ही पढ़ाना शुरू करूंगा फिर आपको, पता ऐसे लाइव नहीं, क्योंकि लाइव में ना वो बात नहीं आ पाती जो आप मतलब फेस टू फेस रह के क्वेश्चन पूछ सको घर। अच्छा आप कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर घर पे पढ़ाओगे बात तो वही आ जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग की, नहीं आएगी बात यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एरिया बहुत बड़ा है, मेरे घर में मेरा बेसमेंट है, बहुत बड़ा बेसमेंट है, 80 गज का है, वहाँ जो अपना जो एरिया बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर सारे बच्चे एक साथ बैठाऊंगा तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, सारे बच्चे एक साथ बैठाऊंगा, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ अगर कल को अगर इस तरीके से कभी ये होता है कि इंस्टीट्यूट नहीं खुल पा रहे और हमारा टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है, ओके तो फिर मैं अपने घर पे स्टार्ट करूंगा, आप सबको फिर मैं घर पे आना होगा, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, जो मेरा इंस्टीट्यूट था उसकी अगली गली में मेरा घर है, वहां पे आपको आना होगा। ये सारी बातें बताने का रीजन क्या था? रीजन सिर्फ ये था कि आप लोग जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो पढ़ाई को, अभी आपको लगता है कि कुछ दिन में लॉकडाउन खुल गया अगर हम पढ़ लेंगे इसके लिए वही मत रहो, अगर लॉकडाउन अगर खुल भी गया तो रिस्ट्रिक्शन इतनी होंगी कि आप पढ़ नहीं पाओगे, ये साल प्रॉपरली तरीके से हो जाएगा, बहुत बर्बाद होगा। इसके दो उपाय हैं, अगर बीमारियां और बढ़ती गई, केसेस और बढ़ते गए, वैसे आपको बता दूं आज हमारी गली के नेक्स्ट गली में एक और एग्जाम कैंसिल हो गए, अब एक साल बाद ही उनके एग्जाम होंगे जहां तक उम्मीद है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पढ़ाई भी एक साल के लिए पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है बेटा। और अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा बेटा, गलत टाइम में ना रहे, आपके एक साल का टाइम बर्बाद हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट का कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट इतनी एग्जाम कैंसिल नहीं करती, आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि स्कूल वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि स्कूलों की एक साल तक की कमाई रुक जाएगी, वो तो हर तरह से कोशिश करेंगे, और आप जानते हो इंडिया पैसे से खिला के तो काम चली जाता है, तो स्कूल वाले नहीं मानेंगे, स्कूल वाले पैसे खिला के इस बात को अप्लाई नहीं होने देंगे कि एक साल तक सबकी पढ़ाई बहुत जरूर कर देते हैं, नहीं मानेंगे, वो स्कूल चलाएंगे ही चलाएंगे, स्कूल चलेगा तो मतलब एग्जाम भी होगा। तो इस गलत फहमी ना रहे, कुछ बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास सर कि अब एग्जाम और कैंसिल हो गया क्या, हमारा सिलेबस आधा, हाँ सिलेबस आधा होने की कुछ अफवाहें हैं कि भाई सिलेबस आधा हो जाएगा, आधा सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं है कुछ बेटा, अब तक कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, न्यूज वालों की बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, ठीक है, हर बात न्यूज में सच नहीं होती है, न्यूज वालों की बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, ठीक है, हर बात न्यूज में सच नहीं होती है, न्यूज वाले हर तरह चीजें सच नहीं, पता है क्या, कोर्ट में न्यूज की रीडिंग को या पेपर की कटिंग को एविडेंस नहीं माना जाता, अगर किसी ने न्यूज में कोई बात बताई है कोर्ट में अभी ये चाहे कि न्यूज के बिहाफ पे कह दे कि हमारे पास सबूत है न्यूज में ये सारी बात बताई गई थी, तो उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाता, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि न्यूज जो है वो प्रॉपर सब एविडेंस ही नहीं, वो तो मनगढ़ंत बातें हैं, अपनी तरफ से बताई जाती है चीजें, इसलिए न्यूज की बातों में प्रॉपर यकीन मत करो, सिलेबस आधा नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक CBSE की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, या आई होगी तो मुझे नहीं मिला अब तक, या किसी के आप लोगों के पास किसी के पास है तो मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मुझे भेजो, सेंड करो, मैं देखता हूँ उसको, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपको कुछ बताऊंगा, तब तक आप लोग ये नहीं मानेंगे कि सिलेबस आधा हो गया, ठीक है, अभी सिलेबस आपके लिए पूरा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट यही मान के चल रही है कि मई जून में तक तो छुट्टी रहती है। आप में से कोई मुझे बताएगा लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर्स पढ़ा था हमने ना,
हमने पढ़ा था कि भारत में कृषि के का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था हमने, और फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के क्या क्या, एग्रीकल्चर की क्वालिटी और एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस की, इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ, आज हम समस्या पढ़ने जा रहे हैं, समस्या प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देखो किस तरह से डील करेंगे। किसी को भी क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछ लेना बेटा ग्रुप में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ परमानेंट, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है भाई, इरिगेशन आप लोगों को मालूम है हमारे देश में जो, जिसको हम कहते हैं सिंचाई, सिंचाई समझते हो, मतलब खेती करने के तरीके क्या होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है, हालांकि हम लोग शहर से बिलोंग कर रहे हैं, गांव से बिलोंग कर रहे होते हैं अगर, तो हम सबको मालूम होता है कि जुताई क्या होती है, सिंचाई क्या होती है, बुआई क्या होती है, मतलब ये सब वर्ड एक जैसे लगते हैं। सबसे पहले खेती करने का तरीका क्या होता है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम हल से उसको खोदते हैं और नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं, मतलब उसको जोतना कहते हैं, मिट्टी हल खेत जोतना, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे, उसको जोतना। इससे क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी सी लूज हो जाती है, लूज हो जाती है, लूज होने से सबसे पहले क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं तो पानी आराम से वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी नीचे आता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जो ह्यूमस होती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड मिट्टी जो होती है वो ऊपर होती है, नीचे जो मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसको पलट दिया जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड जो होती है वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर, उसको भी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बहुत मिल जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो उसके अंदर हम जो केमिकल या बीज डालते हैं वो आसानी से सॉफ्ट मिट्टी होने की वजह से वो उसको भी पकड़ लेता है, वरना अगर हार्ड मिट्टी होगी तो उसको नहीं पकड़ पाएगा, तो मिट्टी को लूज करने के लिए उसको जोड़ते हैं, तो मिट्टी को खोदना हो गया जुताई, जिसको हम कहते हैं प्लगिंग, पढ़ा होगा। प्लगिंग के बाद फिर आता है इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना, पानी डालना, ठीक है, पानी डालना, उसको इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई। फिर होता है बुआई, बुआई का मतलब जब पानी डाल देते हैं, पानी से मिट्टी जब फूल जाती है, बिल्कुल कीचड़ बन जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर आपने देखा होगा किसान अनाज लेता है, अनाज का एक बीज लेता है और बीज को ऐसे ऐसे छिड़कता है, उसको बुआई कहते हैं, और इंग्लिश में उसको पता नहीं शायद क्रॉपिंग कहते हैं, वो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। तो हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की मतलब सिंचाई के हमारे पास परमानेंट सोर्स नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम किसी दूसरी चीज से भी अपनी सिंचाई कर लेंगे, ऐसा नहीं हमारे देश में, ज्यादातर लोग पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, और बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है आज भी। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो वो भी आ गया, क्या नाम है, जनरेटर है, ट्यूबवेल है, वहां से पानी निकाल सकते हैं, बेटा हर कोई नहीं निकाल सकता, हर कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है चौहान साहब, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, इसमें लगता है पैसा, पैसा कैसे भैया, क्या कोई गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा गरीब आदमी जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो बोरिंग करा सके, तो कई बार क्या होता है कि गाँव में किसी के पास बोरिंग होती है, मतलब वो ट्यूबवेल होता है, उससे पानी लेना होता है घंटों के हिसाब से, तो वो पैसा भी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जितने भी देश में जितने गरीब हैं वो फ्यूचर कास्ट के लिए पैसा बचा के नहीं रख पाते। देखो उस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर लेबर ग्रेड को पड़ रहा है, सबसे ज्यादा असर लेबर ग्रेड को पड़ रहा है, फिर थोड़ा बहुत मिडिल क्लास को भी पड़ रहा है, और अभी सेक्शन को करना ही पड़ रहा, लेकिन लेबर ग्रेड को लग रहा है क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास ज्यादा दिन की सेविंग्स नहीं होती है, नहीं होती ज्यादा दिन की सेविंग, तो पैसा इसी 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 चीज में जी रहे होते कि हम खर्च कर देते अगले महीने तो फिर आ जाएगा, इसी वजह से वो ज्यादा कहते हैं कि अब लॉकडाउन को लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, सबकी सेविंग भी खत्म है, अब प्लस कोई कर्जा देने को भी तैयार नहीं है, तो उनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तभी लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि गांव में भाई कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम गाँव में जो खेत है हमारे वहां से अनाज जो हमने काट रखा है गोबर रखा है तो खाने को मिलेगा, तो इस वजह से लोग क्या कहते हैं शहर छोड़ के जा रहे हैं। बाकी ये भी है कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कुछ दे भी रही है तो सर खाने से बात नहीं बनेगी ना, या मकान मालिक जो है वो किराया नहीं छोड़ रहे हैं, उनको किराया चाहिए चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराया नहीं छोड़ रहे, तो किराए के दबाव में आने की वजह से वो क्या कर रहे हैं खाली करके देश दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की कोई पक्की
सुविधा नहीं थी, इस वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस। अच्छा, कुछ लोगों की वजह से वो पैसा, जब हम दोबारा से रिप्रोडक्शन होता है, कोई महाजन होता है उससे पैसे लेने पड़ते हैं, और वो कर्जों के अभाव में दबकता चला जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, हम आज की करंट की बात नहीं कर रहे, हर क्लास में यही चीज बता रहा हूँ, कब से कब तक की बात कर रहे हैं, 1947 से लेके 1991 तक की बात कर रहे हैं, 1947 से, शायद आपको नहीं दिख रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ हम 1947 से लेके 1991 तक की ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो उस जमाने में तो ऐसा होगा, आप सबकी पैदाइश भी नहीं होगी उस टाइम में, 1991 में, तब की बात हो रही है, तो मेरी भी नहीं हुई थी, मैं भी 92 में हुआ था, तो तब तक की बात नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की बात है ये, ठीक है। तो पैसा ना होने की वजह से भी हमारे देश में खेती बाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसमें बहुत सारी चीजें कह रही है, अगर आप ढंग से पढ़ो तो क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फेसिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फार्मर नीड शॉर्ट पीरियड फंड बैंक होते हैं वो, ये सारे जो होते हैं वो एक तरीके से क्या कहते हैं उनको, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पैसे उधार में देते हैं, और जो नॉन फॉर्मल होते हैं मतलब सरकार जिनमें रोल नहीं होता, कि जहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, सरकार की योजना जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, या सरकार के बेनिफिट लोग नहीं ले पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो वहां पे कौन काम आता है, वहां पे काम आता है उस इलाके उस गली मोहल्ले के जो पैसे वाले लोग होते हैं वो काम आते हैं, वो लोग उधार देते हैं अपने गाँव के लोगों को, ब्याज ज्यादा लेते हैं, ठीक उसी को गाँव में जो पैसे वाले होते थे महाजन कहा जाता था। ये है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो मतलब गवर्नमेंट के नॉन इंस्टीट्यूशन जो है सोर्स, वहां से महाजन, मनी लेंडर एंड द लैंडलॉर्ड, जमींदार, पैसे वाला, महाजन, ये सब लोग जो होते थे उधार देते थे। द चार्ज एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो सरकार क्यों नहीं पहुंच पाती थी यहाँ पर, सरकार जब भी कोई योजना बनाती है ना तो पूरे भारत को लेकर एक साथ योजना बनाती है, तो पहुंच रहे हैं लेकिन उनका नंबर आते आते खाना ही खत्म हो जाता है, तो एग्जैक्टली डेटा नहीं मालूम है ना। अब ये मिड डे मील तो है नहीं कि स्कूल में पता हो कि आज इतने बच्चे हैं कितने लोगों को खाना बनेगा, भाई इस गली मोहल्ले में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, ऐसा भी होता है, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं पहुंच रहे, हम जाएंगे तो भाई लोग देखें आ रहे, तो कुछ लोग इस वजह से भी नहीं जा रहे हो रहे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ करप्शन होगा बीच में, कुछ ना कुछ करप्शन होगा, लोगों तक पहुंच नहीं देते होंगे चीजें, अपने पहले अपना घर पहले भर रहे हैं महामारी का टाइम पे, तो ये सब चीजें होंगी, इस वजह से प्रॉपर, तो सरकार के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, तो सरकार करोड़ों लोगों तक योजना का फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है तो प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से लोग गांव के लोगों से उधार लेते हैं जो हैवी ब्याज लेते हैं, जिसकी वजह से वो और कर्जे में चलता है, और कर्जे में लग जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल आउटलुक किसको कहते हैं, इसको कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण मतलब क्या है कि हमारे देश में बहुत ही पुरानी परंपरा होती चली जा रही है। देखो तो परंपरा शब्द क्या है, परंपरा शब्द का मतलब वो सही हो या गलत हो, लेकिन लोग परंपरा के तौर, सही हो या गलत हो लेकिन लोग परंपरा के तौर पर उसको निभाते चले जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, अब देखो फेस टू फेस होते तो बहुत सारी चीजें पर उसको निभाते चले जाते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, अब देखो फेस टू फेस होते तो बहुत सारी चीज इंटरेक्ट होती है तो समझ में अच्छे से लगती है। अब ऐसा समझो परंपरा का मतलब क्या है, जब भी हम कभी परंपरा के नाम पर आते हैं वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, सही है ना गलत है, बस एक फॉर्मेलिटी कर दो, लेकिन उसका सही बेनिफिट किसी को मालूम नहीं, बस लोग क्यों हमारे दादाजी ने किया था या हमारे खानदान में प्रथा चलती आ रही, लोग करते जा रहे, बोले हम भी कर रहे हैं, ऐसी चीजें जैसे शादी घर में कुछ ना कुछ अपने को देखे होंगे, क्या नाम है परंपरा, तो हर घर में अलग अलग परंपरा है, तो हर घर में अलग अलग परंपरा है, जैसे कई लोगों ने देखा होगा कि चावल को लेकर मतलब दूल्हा या दुल्हन कभी घर में आते हैं शादी करके जाते हैं तो उस टाइम चावल के दाने फेंके जाते हैं, उस समय चावल के दाने फेंके जाते हैं, क्या फायदा उससे, लेकिन फिर अपनी अपनी सोच, अब इंसान कहते हैं कि नहीं चावल मतलब उसके घर कभी खाली ना रहे, अनाज ना रहे, कहते कि नहीं चावल मतलब उसके घर कभी खाली ना रहे, अनाज ना रहे, तो चावल के दाने फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर, मतलब कोई लॉजिकल सेंस आप अगर अभी साइंटिफिक तरीके से देखो तो कोई समझ नहीं आता, बस ये है कि
किसी चीज की सोच को हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग में लेके कुछ किया होगा। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि गायब हो गए, बच्चे ऐसे हैं कि गायब हो गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बच्चा मतलब तो बहुत कम है अभी। इस फटाफट जरा अटेंडेंस दो जरा दोबारा से, सब लोग अपना अपना नाम लिखो जरा, कितने बच्चे हैं अभी। रीजन समझ नहीं आया मेरे को फिर से, फटाफट जितने बच्चे अभी हैं फटाफट अपना वो अटेंडेंस दो जरा दोबारा से, नाम लिखो। मुझे सिर्फ चार बच्चे शो हो रहे हैं, जो भी है फटाफट अपना अपना नाम लिखो फटाफट। नौबार एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? मैं बेटा खामों का फिर क्लास कैंसिल कर दूंगा, पढ़े रहना 2 महीने घर में, नहीं लेने वाला क्लास फिर मैं पागल हूँ तुम्हारे सिलेबस के पीछे मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी तब जब मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अभी सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है मतलब नहीं, ओनली 9 बार बस, और किसी को अटेंडेंस देने की पड़ी नहीं है। मुझे 5 बच्चे शो हो रहे हैं अभी, 5 बच्चे शो हो रहे हैं अभी। ओके मैं कैंसिल कर देता हूँ। 9 बार तुषार, आशीष, सुमन, ऋतिक, 5 जने हो गए। यही 5 जने पढ़ रहे हैं। 9 बाहर तुषार, आशीष, आशीष आशीष दोबारा क्यों दे रहे हो बेटा काउंटिंग में? दोबारा काउंट मतलब ये नहीं कि 2 बच्चे काउंट कर लूंगा भाई, मैं अटेंडेंस 12 जनों की थी। एक सुमन शिवानी का चलो वो हो गया, नेट खत्म हो गया, वो समझ में आता है, बाकी लोग फिर गायब हो गए। क्या करूं तुम लोगों का, चलो नहीं मानने के भाई तुम लोग, बेशरम तो हुई। क्या नाम है इसका, एक ये गायब हो गया, गौरव गायब हो गया, उसके बाद अपने 2 बच्चे भी और जिन्होंने अपने अटेंडेंस दे दिया था। कोई बात नहीं आशीष, उससे वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी है जो देख दे रहे लेकिन अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर जो देख रहे थे क्लास 12 बच्चे क्लास देख रहे थे बीच में से गायब हो जाते हैं, टाइम खराब कर रहे हैं बेटा और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी जिम्मेदारी करनी है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इस तरीके से ना फिर पता है पढ़ाने का मेहनत खराब हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे बाद में कहेंगे भैया हमें ये टॉपिक नहीं आता, हमें ये बता दो वो बता दो। देखो कन्वेंशनल आउटलुक क्या है, कन्वेंशनल का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, और एक होती है परंपरागत। अब परंपरागत का मतलब क्या था, परंपरा, परंपरा की डेफिनेशन बता रहा था कि शादी करके कोई भी एग्जाम ले लो जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई लॉजिकल से देखो तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि पुराने लोग करते आ रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो वो जो परंपरा होती है, वो सोच जो होती है, वो कई बार क्या होती है प्रैक्टिकल आउटपुट नहीं दे पाती। प्रैक्टिकल आउटपुट जैसे हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर में कन्वेंशनल आउटपुट लिखा है कि हम एग्रीकल्चर को एक परंपरागत सोच के तरीके से देखते हैं। जैसे बुक में क्या कह रखा है, कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड द फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन फार्मर इज रिलक्टेड टू एक्सेप्ट इनोवेटिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ही कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द कन्वेंशनल विजडम, ही कंटिन्यू टू कंसीडर द फार्मर मोर एज अ मींस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज अ बिजनेस वेंचर। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कन्वेंशनल जो सोर्स है हमारे किसानों का ये है कि वो जब भी खेती बाड़ी करने के बारे में सोचता है तो पुरानी सोच लेके चलता है कि खेती को वो बिजनेस के तौर पे नहीं देखता, खेती को बिजनेस के तौर पे नहीं देखता, वो खेती को पुराने सोर्स में देखता है कि खेती से केवल अपना अनाज, अपना घर, अपनी ही भूख को मिटाने की कोशिश करता है, वो बिजनेस पर्पज को उस चीज को नहीं देखता। दूसरी चीज ये आती है कि थोड़ी सी खेती से लोग इमोशनल फीलिंग जोड़कर देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल फीलिंग जोड़कर नहीं देखते, पर्सनल फीलिंग जोड़कर नहीं देखते, ऐसा भी आता है। जैसे कुछ बंजर जमीन होती है तो आपने बहुत पहले की वो देखे होंगे, क्या नाम है, बहुत पहले के कुछ आइडियोलॉजीज होगी, मूवीज होगी, जिसमें क्या जाता था कि भाई जो खेत होती है वो धरती होती है, खेत जो होती है हमारी माँ होती है, हम खेत को कैसे बेच दें, मतलब माँ को कैसे बेच दें,
मान लो खेत बंजर है, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि हम इसमें खूब मेहनत करेंगे, इसको इस मिट्टी को हम उपजाऊ बनाएंगे, बोएंगे हम, उसके दिमाग में इस तरह की कुछ बातें होती थी, ये सारी चीजें। तो अगर भैया खेत अगर बंजर है तो उसको क्यों दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। आपने गांव में देखा होगा आज कुछ लोग जो भाइयों का बंटवारा होता है, खेत बढ़ जाते हैं आपस में, तो कुछ लोग खेती बाड़ी अपना मकान बना देते हैं, क्यों कहते भाई हम खरीद के खा लेंगे, रहने की जगह नहीं तो खेत की जमीन पर मकान बना रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे ना, कन्वेंशन तो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। अब लोग किस तरीके से पर्पज पे चले जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज पे चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उस जमीन का ज्यादा बेनिफिट किस चीज में। यहाँ नहीं तो लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश बताता हूँ, जब जमीन खेती करके नहीं देती तो जमीन को, आपने गांव में देखा होगा एक ईंट बनाने वाली फैक्ट्री होती है, चिमनी जिसको कहा जाता है, कुछ लोग भाटा कहते हैं, भट्टा वगैरह कहते हैं, जहाँ पे ईंट बनती है, मतलब मिट्टी काटी जाती है, ईंट के शेर बनाई जाती है, उसको फिर भाटे में पकाया जाता है। तो मिट्टी काटने के लिए या मिट्टी निकालने के लिए जमीन तो चाहिए, तो ऐसी जमीन जहाँ पे कुछ उपज नहीं होती उस जमीन को कहाँ दे दिया जाता है, मिट्टी उसको चिमनी वाले को दे दिया जाता है, उसमें से मिट्टी काट काट के ईंट बनाता है, ठीक है वो करता है, और इतनी मिट्टी काट लेता है उसमें से, ठेका होता है 10 साल का 20 साल का ठेका होता है, इतनी मिट्टी काट लेता है कि उस जमीन में इतना गड्ढा हो जाता है कि बाद में वो खेती लायक तो बचता नहीं है, वो जमीन खेती लायक नहीं बचती बाद में। तो बाद में क्या होता है, बारिश होती है वो नहर बन जाती है, वो गड्ढा सा बन जाता है, तालाब टाइप का बन जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा रहता है, लेकिन वो फायदेमंद भी होता है बाद में, 20 साल तक तो कोई खेती तो नहीं होगी, इतनी मिट्टी कट जाएगी वहां से, लेकिन वहां पे इतना गड्ढा हो जाता है, फिर वो मछली का पालन पोषण हो जाता है, वहां तालाब जैसा बन जाता है, और तालाब जैसा बन गया तो हाँ भाई ये मेरा तालाब है, मतलब जिसकी जमीन है 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जमीन उसको मिल जाएगी खाली गड्ढे के शेप में, और उसमें पानी भर गया तो वो तालाब बन गया, तालाब बन गया उसके आगे मछली पाल, मछली का पालन पोषण हो जाता है उसको। तो इस तरीके से ये कौन सा आउटलुक है, ये बिजनेस आउटलुक है, आप बिजनेस पर्पज पे उस चीज को देख रहे हो, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल क्या थे, पहले लोग बेचते ही नहीं थे, पहले लोग बेचते ही थे, ये कन्वेंशनल प्रॉब्लम थी हमारे देश में, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर। और हमेशा एक प्रॉब्लम आती कि किसान हमेशा उन चीजों की खेती करता था जिससे उसका पेट भर सके, उन चीजों की खेती कभी नहीं करता था जिससे वो व्यापार में आ सके, ठीक है, वो व्यापार में आने वाली सोच नहीं रखता था, वो हमेशा केवल अपने लिए सोच रखता था। तो आई थिंक समाज को कन्वेंशनल सोच समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आता है आपके लिए स्मॉल एंड स्केटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्केटेड होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत ही छोटी छोटी जोते हैं लोगों के पास, छोटी छोटी जोते, जोते का मतलब जोतने वाली जमीन, बहुत ही छोटी छोटी है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी भैया, मैंने कल भी आपको शायद समझाया था फीचर्स में आपको, मतलब कल का मतलब पहले से क्वेश्चन क्लास में, फीचर्स में क्या प्रॉब्लम थी कि जो फीचर्स थे उस फीचर्स में ये था कि ये छोटी जोते स्मॉल होल्डिंग, इसमें पॉइंट था कि भाई लोगों को जब छोटी जोते होती हैं तो उन जोतों की वजह से उनको प्रॉपरली एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना, मतलब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। और वो प्रोडक्शन का चैप्टर आपको याद होगा 11th क्लास में, उसमें क्या था प्रोडक्शन चैप्टर में, ये था कि भैया जो क्या नाम है फिक्स फैक्टर होते हैं अगर वो अनडिवाइडेड हो, उसका फैक्टर ना कर पा रहे हो तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करके देती है। वही वाला एग्जाम्पल है अपने इंस्टीट्यूट का, मैंने दिया था कि अगर एक हॉल है उस हॉल में 35 बच्चे बढ़ा सकता हूँ, उसी हॉल को अगर दो टुकड़े में बांट दूं और दोनों हिस्सों में अगर बैठा तो टोटल 30 भी नहीं आएंगे, क्योंकि डिवीजन के वजह से जो है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कैसा, रियल एग्जांपल, जैसे एक मान लो पूरा 2 बीघे की एक जमीन है, 2 बीघे में अगर मान लो 4 भाई बैठ गया तो आधा आधा बीघा सबके पास आया, 10-10 कट्ठा, मतलब एक पैरामीटर होता जमीन को नापने का, तो 10-10 कट्ठा यानी आप समझ लो 35% सब भाई को मिला, 4 भाइयों को मिला। अब एक भाई उसमें किसी ने एक ने गेहूं उगा रहा है, दूसरा भाई उसमें गन्ना उगा रहा है, तीसरा भाई इसमें दाल उगा रहा है, चौथा भाई उसमें सरसों तेल वाला पौधा उगा रहा है। सोचो जमीन ऊपर से बटी पड़ी, ये वाला एग्जांपल मैंने देखा लास्ट क्लास में, जमीन ऊपर से बटी हुई है लेकिन नीचे से जमीन जो है, नीचे से अंदर से तो जमीन एक ही है। अब जमीन को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, सरसों वाले खेत प्रोवाइड करना ताकि सरसों तेल बन सके, गेहूं वाले को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि गेहूं बन सके, जमीन के नीचे कुछ होंगे ऐसे तत्व जो गेहूं उगा के दे देते हैं, यहाँ कुछ ऐसे तत्व होंगे जो बीज उगा के दे देते हैं, है ना, मतलब ये सरसों के बीज उगा के दे देते हैं, ये सारी चीजें। तो जमीन को, फिर नीचे जमीन को 4 अलग अलग फैक्टर पर काम करना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, सोचो। और वही अगर सारी जमीन एक जैसी होती, सारी जमीन अगर एक जैसी होती, चाहे बंटवारा हो ना हो, सबके प्रोडक्शन अगर एक जैसा होता तो आउटपुट जो होता वो बहुत ज्यादा होता नहीं होता, क्योंकि नीचे वाली जमीन को जो अपना फैक्टर देना पड़ता तो
बहुत ही कम देना पड़ता, एक ही जैसा प्रोडक्शन देना पड़ता है ना। लेकिन ध्यान रखना, बार बार एक ही तरह की खेती करना भी जमीन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए किसान हर फसल में अपनी फसल को बदल देता है, कभी गेहूं, कभी चावल, कभी गन्ना, कभी दाल, कभी सरसों, कभी सब्जियां उगाकर, ताकि अंदर के न्यूट्रिशन बने रहे। एक जैसे न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, जमीन की अगर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था कि स्मॉल एंड स्केटेड होल्डिंग की वजह से भी हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। अगर ये स्मॉल एंड स्केटेड, स्मॉल का मतलब छोटी और स्केटेड का मतलब बिखरी, स्केटेड का मतलब होता बिखरी हुई, मतलब बहुत अलग अलग जगह, मतलब वैसे तो मतलब कि भाई हमारे पिताजी हैं उनकी जमीन यहाँ है, दूसरी जमीन जो उनको मिली या उन्होंने खरीदी वो चार खेत छोड़कर है या अगले गांव में है, एक जगह जमीन नहीं इकट्ठी। अब चाह के भी वो क्या कर, नहीं कर सकते, चाह कर भी वो सब पे एक जगह का उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उत्पादन करेंगे, वहां उत्पादन करेंगे, वहां उत्पादन करेंगे, चार अलग अलग जगह उत्पादन करेंगे, तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो देश में छोटी है और बिक्री जो होते हैं जिनके वजह से बहुत सारी जमीनें बेकार पड़ी हुई है। आप ऐसे एग्जाम्पल समझो, रेलवे ट्रैक पे आप चल रहे हो, रेलवे पे मतलब ट्रेन में, आपने देखा होगा ट्रेन की जो जमीनें जो होती है ट्रैक के बाद की जमीन रेलवे वाले बल्ली गाड़ कर रखते हैं, वही मतलब वो सीमेंट के खंबे गाड़ कर रखते हैं, ये जमीन रेलवे की है। उसके बाद भी कुछ जमीनें बेकार पड़ी होती है, खेती नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जो बेकार पड़ी जिस पर कोई खेती नहीं पा रही, क्योंकि वो या तो अंडर गवर्नमेंट है या फिर कंट्रोल में नहीं है, वो सड़क नाले में ऐसी चली जाती है, बेकार चली जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी जमीनें जो एक्स्ट्रा पूरा चाहिए, हर महीने का किराया चाहिए, नहीं दे सकते तो खाली करो, या तो कुछ ये कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, तो जब भी काम स्टार्ट होगा तो जितने दिन का ये किराया बचा हुआ है, जितने दिन का भी किराया बचा हुआ है उतने दिन का किराया आप बाद में इंस्टॉलमेंट के साथ देते रहना। कुछ लोग ऐसे भी मतलब माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, वो किराया उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी नहीं बाद में देना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे दिलदार लोग, वो कहेंगे चलो ठीक है भाई हम जानते हैं आपका कमाई का सोचते हैं, और आदरे बापते भी पूरी दुनिया की हालत खराब है, तो वो लोग प्रॉपरली तरीके से माफ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जिनकी रोजी रोटी ही किराया है, मतलब वो किराए के बलबूते भी पल रहे, किराए से ही लोग अपना पेट भर रहे, वो कभी माफ नहीं करने वाले। तो सोचो वैसे लोग में मकान मालिक में किराएदार में कैसे संबंध थे, खटपट वाले संबंध होंगे। तो वो खटपट वाले संबंध जो होते हैं ना, वो ना रिलेशन को आगे बढ़ने देता है ना प्रोडक्शन को आगे बढ़ने देता है। मतलब अगर एक लैंडलॉर्ड में जमीन के मालिक में और वहां पे काम करने वाले लेबर में अगर खटपट वाले रिलेशन होंगे, तो ना ही किसान ज्यादा उपज में अपना ध्यान देगा और ना ही जो मालिक है वो किसान के वेलफेयर के बारे में सोचेगा। अब सोचो वैसे मकान मालिक, वैसे मकान मालिक किस वक्त जो अपने किराएदारों का किराया माफ कर रहे हैं, और ये भी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है, जोत का और जमीन का जो मालिक था उसके बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता था। ठीक है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की जो आज भी चल रही है वो है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मार्केट नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अगर को खेती बाड़ी के बारे में एक जुआ बताता हूँ आप लोगों को, और ये जुआ मैंने पहले भी बताया हुआ, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है हमारे देश में, मतलब अभी है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब मंडी वगैरह, ठीक है, बात कब तक की हो रही, 91 तक की बात हो रही है। तो इस जमाने में ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थे, मतलब मंडी वगैरह नहीं थी, जैसे आपने सुना होगा ये ओखला मंडी, आजादपुर मंडी, जैसा मंडी है बहुत पुराने पुराने मंडी है। लेकिन दिल्ली में 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट, और मंडी दो ही फेमस है, या ओखला मंडी आपने आजकल सुना होगा, उधर आजादपुर मंडी है, एक और एक दो मंडी अगर किसी ने सुना, मैंने तो नहीं सुना, अगर होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो बंदे हो सकता है जानते, मंडी उतने नहीं है जितने जिले, वरना जैसे डिस्ट्रिक्ट मैटर करता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कैसे डिसाइड होता है, एक जिला कैसे डिसाइड होता है, इतने बड़े एरिया एक जिला इतना बड़ा होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से जिला डिसाइड होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से, भाई इतनी पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रिक्ट, इतनी पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे आगरा, सोचो आगरा और दिल्ली बराबर है क्या, आगरा दिल्ली से बहुत बड़ा है,
आगरा जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो दिल्ली से बहुत बड़ा है, लेकिन आगरा एक डिस्ट्रिक्ट है और दिल्ली के अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट है। ये साउथ दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां से कहां तक आप मैं लेके चलो, बहरौली से लेके बदरपुर तक, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, आगरा एक पूरा जिला है। लेकिन इस जिले से आगरा कम से कम 20 गुना बड़ा होगा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मंडी होनी चाहिए, लेकिन ये मंडी इतनी हो नहीं पा रही। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ साउथ दिल्ली के लोग भी ओखला जाते हैं, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट, वेस्ट दिल्ली के भी ओखला में आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि मार्केट है लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट ना होने की वजह से क्या होता है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते, और जब किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते तो फिर किसानों का वैसे ही मोटिवेशन कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, पुराने किसान सब, पूरे देश में जितने किसान है सब ने फसल उगाई, अब खरीदेगा कौन? अब हम लोग शहर में रह रहे हैं, हम अनाज कैसे खरीदें? मतलब हम गांव तो जाएंगे नहीं अनाज खरीदने के लिए। तो भाई हमें एक ऐसा पीछे मीडिएटर चाहिए ना कि जहाँ अपना काम भी करते रहे, शहरों जो हम काम कर रहे वो काम करते रहे, और अनाज हम तक पहुंच जाए। सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेती है कि अगर कोई प्राइवेट बंदा बीच में आ गया, कोई बिजनेसमैन बीच में आ गया, तो ज्यादा मुनाफा कमाएगा, होगा क्या कि लोगों के लिए खाना बहुत महंगा हो जाएगा। तो सरकार जिम्मेदारी लेती है इस चीज की, सरकार कहती है हम देंगे, सरकार हम सबसे एक मिनिमम प्राइस पे जो सरकार तय करती है, सबसे कम से कम घटिया प्राइस जो भी तय करती है वो उनको दिया जाता है, उनसे अनाज लेके सरकार फिर हमें राशन कार्ड के थ्रू हमें देती है, या फिर मंडी में लेकर आते हैं और मिनिमम प्राइस तय कर देते हैं मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के हिसाब से, फिर वो चीज हमें दुकानों में बिकती है। सरकार डील कर रही है इस चीज को, सब्जियां हमें मार्केट में मिल रही है, सरकार डील कर रही है उस चीज को। ठीक है, तो ये था हमारे देश में मंडी के हिसाब से। तो उस जमाने में ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी, इसलिए प्राइस नहीं मिल पाता। आज के टाइम में, अब टॉपिक से बाहर आके बात करो, ये पूरा पॉइंट हो चुका है बेटा, प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी है, मतलब प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बात खत्म हो चुकी है। 6 के 6 पॉइंट और आपको 6 के 6 याद होने चाहिए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, फीचर्स, प्रॉब्लम और एक और इंपॉर्टेंस, ये तीन बातें, तीनों में से कोई एक टॉपिक जरूर आएगा, फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और ये प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तीनों में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है, मर्ज हो सकता है इधर से उधर, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन इससे हटके मैं कुछ और आपको चीज बता रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट के बारे में। मैंने भी जैसे कहा कि किसान अगर फसल उगाता है तो सरकार जिम्मेदारी लेती है कि उस चीज को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा। आज के टाइम आपने देखा होगा अचानक से कई बार ऐसा था, प्याज जो होते हैं 100 रुपए किलो बिकने शुरू हो जाते हैं, और आजकल प्याज बहुत सस्ते बिक रहे हैं। कल परसों मैंने सुना 50 के 4 किलो, मतलब 1 किलो 12.5 रुपए के, और एक टाइम ऐसा था 80 रुपए किलो प्याज बिक रहे थे, 100 रुपए किलो प्याज बिक रहे थे 2 से 3 महीने पहले। तो ऐसा क्यों हो जाता है अचानक? इसमें हमारे देश में स्पेकुलेशन होनी शुरू हो गई। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन, मैं साइड पर अलग से लिख रहा हूँ, स्पेकुलेशन, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में सट्टा, सट्टा कैसा सट्टा, मतलब ये कि लोगों का पैसा है और पैसा लगाए कहाँ ये लोगों को मालूम नहीं। लोग शेयर मार्केट में बहुत तरह की चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत तरह की टेंशन लेनी पड़ती है, रिस्की होता है, तो लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे जहां पैसा लगा सके। तो लोग क्या करते हैं, सीधा से उन्होंने देखा किसान के ऊपर पैसा लगा दिया, भाई मैं किसान हूँ और पैसा कैसे लगाया, मैं मेरी फसल पे, मेरे ऊपर, मेरा एक बिजनेसमैन गया किसान के पास, गया उसने कहा भाई तू क्या उगा रहा है, कहता भाई मैं गन्ना उगा रहा हूँ, ठीक है, या अगर मैं प्याज उगा रहा हूँ, प्याज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं प्याज उगाता हूँ, तो भाई कितना प्याज उग जाता है तेरे खेत में? उसने कहा कि सर 3 महीने की खेती है और 3 महीने की खेती में कम से कम 1000 किलो प्याज तो निकल जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, 1000 की बहुत कम डेटा है, एक सब्जी वाला 1000 किलो बेचता है 2 दिन के अंदर, तो कहता भाई 1000 किलो मंगा दूंगा, कहता ठीक है 1000 किलो का क्या बन जाता है तेरे? तो उसने कहा कि सर 20 रुपए के हिसाब से भेजता हूँ मंडी में और मार्केट में जाकर वो 30 रुपए किलो के हिसाब से बिकते, तो 20 × 1000 कितने हो गए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का ये प्याज मेरा बन के तैयार हो जाएगा 3 महीने के अंदर में। उसने कहा एक काम कर, ये पकड़ 20,000, अभी फसल होगी भी नहीं, फसल उगने से पहले उसको 20,000 रुपए या फालतू थोड़ा बहुत 21-22 हज़ार रुपये दे दिया और कहा उसको कि भाई ऐसा है तू फसल उगा, फायदा है नुकसान जितना भी हो सब मेरा, देखो 3 महीने के पैसे पहले मिल चुके, फायदा नुकसान जो भी कुछ हो सब मेरा। अब बंदा क्या होता है, पैसे देता है और एग्रीमेंट पे साइन करा लेता है कि फलाना बंदा मिस्टर मिस्टर राम कोई किसान है, मिस्टर राम शर्मा कोई भी है, तो वो जो है खेती करेंगे और इस खेती की जो भी फसल होगी वो मेरे पेपर पे डॉक्यूमेंट पे लिखवा देना है। अब वो खेती करना शुरू कर,
इस बीच में क्या कर रहा हूँ, उस पेपर को मैं मार्केट में बेच रहा हूँ। मतलब मैंने पेपर किसी को भेज दिया तो फलाने से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पर समझो उस चीज को, बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का, 50 रुपए का, तो सोचो क्या मैं 50 से बेचूंगा, कम से कम 50 से ऊपर बेचूंगा ना, 55 का या 60 का बेचूंगा उस प्याज को। मैं ले जाके मंडी में 55 या 60 रुपए का बेच रहा हूँ, 55 का बेच रहा हूँ, 5 रुपए मैंने कमा लिए पर किलो, यानी 1000 रुपए, 5000 मैंने कमा लिए। अब मंडी वाला फिर उसे 5 रुपए के आगे बेच रहा है 60 रुपए का, ठीक है, वो 60 रुपए का आगे बेच रहा है, 60 रुपए जिसने खरीदा था वो आगे पब्लिक 70 रुपए का बेच रहा है। तो सोचो ये बीच में कितने लोगों ने बीच में प्रॉफिट ले लिया, और लास्ट में चीजें कितने की बिक रही है, 70 रुपए की चीजें बिक रही है ना। तो किसके वजह से, बीच में कई सारे प्राइवेट लेंडर के आने की वजह से, कई सारे प्राइवेट लेंडर के आने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि चीजें स्पेकुलेशन की वजह से ज्यादा महंगी ना हो जाए, कोई स्पेकुलेशन वाला बंदा बीच में ना आए, ये गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये वो सारी चीजें होती है जो आमतौर पर बैकग्राउंड में काम चल रहा होता है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही होती है, इन सब चीजों के लिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, लेकिन जब तक इसमें कोई कांड नहीं होता लोगों को समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ने क्या 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 कर रखा है। लोगों को आराम से लगता है गवर्नमेंट कर क्या रही है, कश्मीर सबको शांत पड़ा है, लोगों को लगता है सबको शांत पड़ा है, कोई काम ही नहीं कर रही। बेसिकली वो शांत माहौल को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ काम कर रही होती है। अचानक प्याज के रेट बढ़ गए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पहले कर रही थी तभी प्याज के रेट नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं कर पाए इसलिए प्याज के रेट बढ़ रहे, क्योंकि ध्यान गवर्नमेंट का प्याज की तरफ नहीं है, ध्यान गवर्नमेंट का सरकार बनाने की तरफ है, गवर्नमेंट का ध्यान अपने फायदों की तरफ है। इस वजह से आपके दिमाग में बात आएगा कि अभी प्याज के रेट सस्ते क्यों है, सबसे बड़ा रीजन है लॉकडाउन। लॉकडाउन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुआ पड़ा है, हमारे देश में कुछ प्याज बाहर बिकाया करते थे तो सारे के सारे अभी एक्सपोर्ट बंद पड़े, तो इंडिया में सबसे ज्यादा सातवां पॉइंट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन आप लिख सकते हो इसको, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि प्राइवेट लेंडर जो है, प्राइवेट लेंडर स्पेकुलेशन की वजह से सट्टे की फोटो भेज दी मैंने, फटाफट ओके लिखो ग्रुप में, रिप्लाई करो ओके का, ये सारे के सारे सो गए। एक ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, क्या पढ़ना नहीं है क्या? पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई रिप्लाई दे रहा है, क्या पढ़ा है? बहुत कुछ पढ़ाना था यार, तुम रिप्लाई तो दो खत्म। चलो ठीक है भाई, अगर किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा यहाँ तक तो आज के लिए इतना ही। अच्छा अब आया एक का अल्ताफ डर, नोट कर लो भाई, अब आज के लिए इतना ही, फोटो अलग ही भेज चुका हूँ मैं, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जाइए, पर्सनल चैट करके पूछना।